हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं इस नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एंडोमेट्रियल पॉलिप के बारे में। पॉलिप यानी कि यूट्राइन पॉलिप भी बोलते हैं, और आम भाषा में इसे हम बोलते हैं कि बच्चेदानी के अंदर मास बढ़ गया है, यानी कि कुछ ग्रोथ हो गई है, कुछ इस तरीके का मास बन गया है जो कि बच्चेदानी की कैविटी के अंदर है। और कई बार ये इतना बड़ा हो जाता है कि बच्चेदानी से बाहर निकलता हुआ वजाइना के थ्रू बाहर भी दिखने लग जाता है। अभी आपको एक सोनोग्राफी में डायग्नोसिस मिल सकता है कि जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं तो डॉक्टर आपको लिख के दे सकता है कि आपको यूट्राइन पॉलिप या एंडोमेट्रियल पॉलिप है। या फिर जब आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको हो सकता है चेक करके बताए कि आपको पॉलिप की समस्या है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि पॉलिप होता क्या है। तो इस पूरे वीडियो में आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि पॉलिप क्या होता है, ये कैसे बनता है, क्यों बन जाता है, और इसका पता कैसे चलेगा, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके क्या इलाज हैं, और इसे कैसे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर एंडोमेट्रियल पॉलिप या यूट्राइन पॉलिप होता क्या है। जो यूट्राइन पॉलिप होता है यानी कि यूट्रस के अंदर बनने वाला पॉलिप, पॉलिप का मीनिंग होता है कि कुछ आउटग्रोथ, कुछ एक्स्ट्रा मास बढ़ गया है, अंदर का लेयर का थिकनेस बढ़कर वो ऐसे मास की तरह लटकने लग जाती है, जिसको कि पॉलिप बोला जाता है। एक एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर जो पॉलिप बनता है उसे एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं, और जो सर्वाइकल कैनाल में यानी सर्विक्स के अंदर बनता है, बच्चेदानी के मुँह पर बनता है, उसे सर्वाइकल पॉलिप कहा जाता है। तो इस तरीके से एंडोमेट्रियल पॉलिप और सर्वाइकल पॉलिप दो डायग्नोसिस बनते हैं, और ये सोनोग्राफी से ही कन्फर्म किया जाता है कि एंडोमेट्रियल पॉलिप है या सर्वाइकल पॉलिप है। अब बनता क्यों है? कई बार हमारे शरीर में हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि पीसीओडी का पेशेंट होता है, इसमें ईस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ईस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा होने के कारण अंदर का जो एंडोमेट्रियम लेयर है, जिसके कारण, जिसके शेड ऑफ होने के कारण यानी झड़ने के कारण महीना आता है, उसी लेयर का थिकनेस यानी मोटाई बढ़ जाती है, और मोटाई बढ़ने के कारण, थिकनेस बढ़ने के कारण वो ड्रॉप डाउन होने लगता है, गिरने लगता है, और एक एक्स्ट्रा आउट ग्रोथ यानी कि मास बढ़ने जैसा हो जाता है और एक पॉलिप का रूप ले लेता है। ये जो पॉलिप होते हैं इसके अंदर एक ब्लड वेसल भी होती है, छोटी सी खून की नली होती है जो इनको सप्लाई कर रही होती है, और इसी ब्लड वेसल की सप्लाई के कारण इनका साइज़ बराबर बढ़ता जाता है। यही चीज़ अगर एंडोमेट्रियम में होती तो एंडोमेट्रियल पॉलिप होता है, और सर्विक्स के अंदर होता तो उसे सर्वाइकल पॉलिप होता है। इसके अलावा कई बार कैंसरस ग्रोथ होती है, यानी कि कैंसर हो सकता है, वो भी एक पॉलिप का रूप ले लेता है। या इसके अलावा कई बार आपने कोई सफाई कराई हो और सफाई के बाद कुछ पीसेस रह गए हों तो वो भी कई बार पॉलिप का रूप ले लेते हैं, यानी कि जो टुकड़े पीछे रह गए थे, बच्चेदानी के अंदर बच गए थे, उनको भी ब्लड सप्लाई मिलने लग जाती है और वो बच्चेदानी में अंदर चिपक जाते हैं, तो उनको आरपीओसीस का पॉलिप बोलते हैं, यानी कि रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन के पॉलिप्स होते हैं, तो वो भी बन सकते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी के अंदर कई बार फाइब्रॉइड्स होते हैं, यानी गांठें होती है जो भी जब अंदर की तरफ बनती है और अंदर की तरफ उनका साइज़ बढ़ने लग जाता है, तो उनको फाइब्रॉइड पॉलिप के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ वैरायटी हैं पॉलिप की जो कि कॉमनली देखी जाती है। सिंपलेस्ट पॉलिप इज एंडोमेट्रियल सिंपल पॉलिप, दूसरा हमारा फाइब्रॉइड पॉलिप हो सकता है, तीसरा हमारा आरपीओसिस पॉलिप हो सकते हैं, या फिर हमारा कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपको बच्चेदानी के अंदर इस तरीके की कोई समस्या का पता चलता है तो उसका इलाज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसका हमें पता कैसे लगेगा, हमें ये कैसे समझ में आएगा कि हमें क्या पॉलिप की समस्या हो सकती है? तो पॉलिप जब किसी पेशेंट के शरीर के अंदर बनता है तो ये एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है, तो बच्चेदानी उसको सिकुड़कर बाहर निकालने की कोशिश करती है, इसलिए बच्चेदानी के अंदर, यूट्रस के अंदर क्रैम्प्स आने लगते हैं, और क्रैम्प्स आने के कारण पेडू में यानी कि पेट के निचले हिस्से के अंदर दर्द शुरू होता है। तो ये ऑफ एंड ऑन दर्द होता रहता है, तो यानी कि अगर आपके पेडू में या पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहता है या दर्द आता जाता रहता है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको पॉलिप हो। इसके अलावा पॉलिप के कारण कई बार वाइट डिस्चार्ज या वाटरी डिस्चार्ज बढ़ जाता है, कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब ये पॉलिप का साइज़ बढ़कर वजाइना में आ जाता है तो इसमें इन्फेक्शन होने के कारण मवाद पड़ जाती है, पस पड़ जाता है, तो फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आने लगता है, और कई बार जो पॉलिप के अंदर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो फट जाती हैं, तो ऑफ एंड ऑन आपको ब्लीडिंग होती रहती है यानी स्पॉटिंग चलती रहती है, या फिर कई बार हस्बैंड से मिलने के बाद, इंटरकोर्स के बाद भी ब्लीडिंग होती है, उसको हम पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं, तो वो भी एक समस्या हो सकती है। या इसके अलावा आपको महीना भारी आ सकता है या आपको जल्दी जल्दी महीना आ सकता है।
तो यानी कि अगर आपके पीरियड्स में किसी तरह की रेगुलरिटी आपको देखने को मिलती है, आपको पेन मिल रहा है, डिस्चार्ज आपको ज़्यादा हो रहा है या और कोई एबनॉर्मल सिम्टम आपको नज़र आ रहा है, तो डेफिनेटली देर इज़ अ प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्या आपके बच्चेदानी में बन रही है। तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, प्रॉब्लम डिस्कस करनी चाहिए और उसके लिए जो भी जाँच या टेस्ट आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो करवाने चाहिए। अब इसके लिए जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको क्या क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब करेंगे? तो कॉमनली ऐसे केसेस में पहले तो डॉक्टर जो नीचे से एग्ज़ामिन करते हैं, यानी कि वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, लोकल एग्जामिनेशन करते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट के पास आप जब भी जाते हैं तो आपको टेबल पर लिटाकर नीचे से देखती हैं कि कहीं कोई बाहर ऐसी कोई ग्रोथ या एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं दिख रही है। फिर वो ऊपर स्पेकुलम एग्जामिनेशन होता है जिसमें कि वजाइना के अंदर स्पेकुलम डालकर बच्चेदानी का मुंह यानी सर्विक्स को एग्ज़ामिन किया जाता है कि वहाँ कोई ग्रोथ तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं बन गए हैं या किसी तरीके का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। अगर कोई इसी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है तो डिस्चार्ज का सैंपल लिया जाता है, कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट उसका करवाया जाता है ताकि ये पता चले कि इसमें किस प्रकार के बैक्टीरिया या इन्फेक्शन है, ताकि उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जा सके। इसके नेक्स्ट जब हमें कुछ लगता है कि एबनॉर्मल है तो उसके बाद में सोनोग्राफी प्रिस्क्राइब की जाती है। और सोनोग्राफी जो जनरली की जाती है वो ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी यानी TVS सोनोग्राफी की जाती है, जिससे एग्जैक्टली पता चल पाता है कि बच्चेदानी के अंदर पॉलिप है या नहीं है, या जो बाहर पॉलिप दिख रहा है उसका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से बढ़ के आ रहा है, सर्विक्स से आ रहा है या फिर बच्चेदानी के अंदर से यानी कि एंडोमेट्रियल पॉलिप है। तो ये सारा सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है फाइब्रॉइड है, पॉलिप है या कैंसर की कोई संभावना, काफ़ी हद तक उससे पता चल जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल लगता है तो किसी किसी पेशेंट को MRI भी सजेस्ट किया जा सकता है, बट 99% केसेस में ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी से ही सारी चीज़ें काफ़ी हद तक पता चल जाती हैं। और अगर आपको डॉक्टर ये डायग्नोस करके बताता है कि आपको एंडोमेट्रियल या सर्वाइकल पॉलिप है या फाइब्रॉइड पॉलिप है, तो डेफिनेटली उनका जो इलाज है वो कोई दवाई से नहीं हो सकता है, उनके लिए सर्जरी ही करनी पड़ती है। और सर्जरी में उस पॉलिप को काट के हटा दिया जाता है। और आजकल लेटेस्ट दूरबीन की टेक्निक्स आ गई हैं, लेज़र की टेक्निक्स है, जिससे बहुत आसानी से इन पॉलिप्स को हटाया जा सकता है। तो नीचे से जो दूरबीन डाला जाता है उसको हम हिस्टरोस्कोपी के नाम से बोलते हैं, और ये जो प्रोसीजर है इसको हिस्टरोस्कोपिक पॉलीपेक्टमी के नाम से जानते हैं, यानी कि दूरबीन डालकर जो आपका पॉलिप है उसका बेस पे जो ब्लड वेसल है उसको कोएगुलेट करके यानी उसको सील किया जाता है लेज़र से, और फिर इसको कट करके हटा दिया जाता है और पूरे को बाहर निकाल लिया जाता है। और इसके साथ में बच्चेदानी को अंदर से एग्ज़ामिन भी कर लिया जाता है कि कहीं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि एबनॉर्मल है, कोई एबनॉर्मल एरिया तो नहीं दिख रहा है या कहीं और ऐसी कोई ग्रोथ तो नहीं दिख रही है जो कि सस्पिशियस हो सकती है या कैंसर जैसी हो सकती है। तो हमें विजिलेंट रहना पड़ता है, अपने इलाज को कभी भी आप टाले नहीं, और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिख रही है कि हो सकती है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेकर उसका इलाज करवाइए, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि कई बार ये शुरुआती कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। और अगर उसका जांच समय पर नहीं होता है, क्योंकि जब भी पॉलिप निकाला जाता है तो कोई देख के नहीं बता सकता 100% कि ये कैंसर है या नहीं है, लेकिन उसको निकालने के बाद जब उसकी बायोप्सी करवाई जाती है तभी हम 100% आपको बोल सकते हैं, श्योर कर सकते हैं कि हाँ आपको कैंसर नहीं है और एक नॉर्मल बीमारी है, नॉर्मल पॉलिप था, नॉर्मल एंडोमेट्रियल पॉलिप ही था, इसलिए इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट डेफिनेटली आप हिस्टरोस्कोपी ज़रूर करवाइए, हिस्टरोस्कोपी में पॉलिप निकलवाइए और पॉलिप को फिर बायोप्सी के लिए भिजवाइए ज़रूर, ताकि हमें एक श्योरिटी हो सके कि इसमें और कोई बड़ी बीमारी नहीं बन रही थी। हिस्टरोस्कोपी का एक बेनिफिट और है कि पेट के अंदर से कुछ नहीं करना होता, अंदर कोई टांका वगैरह कुछ नहीं लगता है, नीचे के रास्ते से वजाइना के थ्रू जाकर ही अपन उसमें देख के उसको निकाल लेते हैं, तो रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होता है, 2 से 3 घंटे के अंदर अस्पताल से छुट्टी हो जाती है और नेक्स्ट डे से ही आप अपना नॉर्मल सारा काम कर सकती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई परहेज़ नहीं होता है, पेट पर किसी प्रकार का चीरा या कोई निशान नहीं बनता है, नीचे से वजाइना से ही हो जाता है और आप आराम से अपना डेली रूटीन दूसरे या तीसरे दिन से डेफिनेटली रिज्यूम कर सकती हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं है और अपना आप इलाज करवा के अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन या इससे संबंधित अभी कुछ हमारे वीडियो में छूट गया है तो डेफिनेटली आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार।